रिटेलर को ये वैल्यूएट करना है कि व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस क्या उसने तमाम परस्पेक्टिव को कवर कर लिया है सो इज दे चेकलिस्ट टू इट सो यू नीड टू अंडरस्टैंड रिटेलर हैज टू मार्क ऑल पॉइंट्स ऑन द चेक लिस्ट वंस इज गोइंग टू स्टार्ट हिज न्यू बिजनेस सो वट दिस चेकलिस्ट इज कंसिस्ट ऑफ लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू इस चेकलिस्ट के अंदर रिटेलर को स्पेसिफाई करनी है चार मेन बातें और उन चार मेन पॉइंट्स के ऊपर ही उसने अपना नया बिजनेस को स्टार्ट करना है सबसे फर्स्ट पॉइंट जो रिटेलर ने करना है विच इज ए पार्ट ऑफ दिस चेकलिस्ट सेल्फ असेसमेंट एंड बिजनेस चॉइस तो रिटेलर को ये वैल्यूएट करना है अपना शॉट एनालिसिस करना है जो के विल गिव अ सेल्फ असेसमेंट टू द रिटेलर फिर रिटेलर को यह देखना है कि उस शॉट की बेसिस के ऊपर व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स व्हाट आर द वीकनेसेस व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स दैट द रिटेलर हैज इट देन रिटेलर को इवेल्युएट करना है सेल्फ असेसमेंट और बिजनेस चॉइसिस के अंदर द रिटेलर हैज टू सी कौन कौन सी कमिटमेंट द रिटेलर इज गोइंग टू मेक फिर इसके बाद रिटेलर को देखना है कि कौन कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस जो रिटेलर की स्ट्रेंथ्स के ऊपर फिट बैठता है तो रिटेलर को सेल्फ असेसमेंट करना है अपने फर्स्ट स्टेप के अंदर फिर उसके बाद रिटेलर को बनाना है ओवरऑल रिटेल प्लान जिस रिटेल प्लान की अभी हमने बात की अपनी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर कि जहाँ पर रिटेलर को अपना कॉम्प्रिहेंसिव रिटेल स्ट्रेटजी बनानी है अपना कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक रिटेल प्लान बनाना है वो ये प्लान है जहाँ पर वो ओवरऑल बिज़नेस फ़िलासफी बिज़नेस ओनरशिप विजन गोल्स टारगेट्स लोकेशन किस सर्विस कैटेगरी को ऑप्ट करना है किस प्रोडक्ट कैटेगरी को ऑप्ट करना है कौन सी टारगेट मार्केट को करना है क्या लीगल एंड एनवायरमेंटल कंसिड्रेशन को फॉलो करना है तो वो तमाम बातें रिटेलर चेकलिस्ट में बनाएगा देखेगा कि क्या ओवरऑल रिटेल प्लान रेडी है या रिटेल प्लान रेडी नहीं है अगर नहीं है तो उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेगा और देन मूव करेगा थर्ड स्टेप के ऊपर चेकलिस्ट के जो कि है फाइनेंशियल प्लान तो रिटेलर को ये वैल्यूएट करना है के कितना फंड रिक्वायर्ड है कितने फाइनेंसिस रिक्वायर्ड हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ईयर के अंदर ब्रेक इवन करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा रिटर्न ऑन सेल्स क्या होगा उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होगी उसके कैश फ्लोज कैसे होंगे तो तमाम कॉम्प्रीहेंसिव फाइनेंशियल प्लान रिटेलर हैज़ टू मेक फिर उसके बाद फोर्थ और लास्ट थिंग ऑन द चेकलिस्ट जिसके बाद रिटेलर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है वो है ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स प्लान वो क्या होगा कितने पर्सनल रिक्वायर्ड होंगे फ्रॉम प्लानिंग प्रस्पेक्टिव पॉलिसी परस्पेक्टिव में हर लिहाज से कितने लोग होंगे आ, आपके पास क्या इंश्योरेंस प्लान होंगे उन लोगों से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होंगे ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे ऑपरेशन को कौन करेगा किस स्ट्रैटेजी की कंप्लायस होगी इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसी होगी अकाउंटिंग मैनेजमेंट कैसी होगी ईच एंड एवरी परस्पेक्टिव परटेन्स टू दी ऑर्गेनाइजेशन वो फोर्थ स्टेज के अंदर फोर्थ स्टेप के ऊपर इस चेकलिस्ट के अंदर होगी तो जब एक रिटेलर नया बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसको सबसे पहले अपनी असेसमेंट करनी है अपनी बिजनेस चॉइसिस को फाइनलाइज करना है अपना रिटेल प्लान फाइनलाइज करना है final, उस प्लान की बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल प्लान बनाना है और उस फाइनेंशियल प्लान को देखते हुए रिटेल प्लान को देखते हुए उसको अपना ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्ड प्लान है प्लान बनाना है विच विल से कि कितने लोग काम करेंगे कैसे काम करेंगे कैसे डे टू डे ऑपरेशन होंगे और बिजनेस कैसे चलेगा हर वो बिजनेस सक्सेसफुल है जो कि एक प्रॉपर फ्रेम ऑफ वर्क को फॉलो करता है ये चेकलिस्ट एक गाइडलाइन है रिटेलर्स के लिए कि अगर वो चाहते हैं कि एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट करें अगर वो चाहते हैं कि वो ग्रो करें तो जरूरी है कि वो कंप्लाई करें इस चेकलिस्ट को इसको एक गाइडलाइन समझें ताकि एक सक्सेसफुल एंटिटी एक सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट कर सकें अपने लिए और एक सक्सेसफुल कस्टमर बेस को टारगेट कर सकें और अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकें